नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल अभी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, मानवीय भूल ये शब्द ही ऐसा है कि किसी से भी मानवीय भूल हो सकती है। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि एक पुस्तक है वाटिका, जो उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 5वीं कक्षा में पढ़ाई जाती है। इस पुस्तक में जो राष्ट्रगान है, उस राष्ट्रगान से उत्कल बंग ये शब्द गायब हो गया है। इस पे बहुत सारा बवाल किया जा रहा है, कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है और भाजपा के खिलाफ आंदोलन करने की बात कर रही है। ये एक मानवीय भूल है, और चूंकि इलेक्शन जो है सामने दिखाई दे रहे हैं लोकसभा के, और कुछ ही महीने इसमें बाकी हैं, करीब 1.5 साल का वक्त इसमें बाकी है, और अब हर जो बात है उस पे बवाल करने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। अभी आज पोस्टर के ऊपर बवाल हो रहा है लखनऊ में, जिसमें लिखा हुआ है यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू ब्ला ब्ला। तो अब आज ये मसला सामने आ गया है कि वाटिका से उत्कल बंग गायब है। कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं अरुण विद्यार्थी, वो ये कहते हैं कि भाजपा बंगाल हार का दर्द नहीं भुला पा रही है, इसलिए उसने राष्ट्रगान से इन पंक्तियों को उत्कल और बंग जानबूझ के हटा दिया है। अब कोई मतलब बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि पूरा राष्ट्रगान पुस्तक के पृष्ठ पर दिखाई दे रहा है, और ये दो उत्कल और बंग राष्ट्रगान से गायब है, नहीं दिख रहे हैं। और जब इसको स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को दिया जाता है, उसी दौरान टीचर्स भी देखते हैं, तो ये बात सामने आती है। हालांकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है और किताब में राष्ट्रगान की लाइन में गलती हुई है। आमतौर पे ये तो कुछ भी नहीं, प्रिंटिंग में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। मैंने खुद प्रिंट मीडिया में काम किया हुआ है, तमाम तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं, और उनके बाद एक माफीनामा टाइप अखबारों में छापा जाता है। सभी को मालूम है ये बात, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, और इस बात को वहाँ के BSA ने भी माना है, और साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा है कि राष्ट्रगान में ऐसा हुआ है तो इसकी जानकारी जो ऊपर बैठे ऑफिसर्स हैं उनको दी जाएगी, जांच भी कराई जाएगी, और ये प्रदेश स्तर की बात है। अच्छा, शासन ने ये किताबें कौशाम्बी के परिषदीय विद्यालय में भेजी हैं। सिर्फ कौशाम्बी जिले की अगर मैं बात करूं, जहां से ये रिपोर्ट आ रही है, तो 1079 परिषदीय विद्यालयों में वहां पर हैं, और इसमें से 1 से 8 तक 182,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जिस किताब में गलत राष्ट्रगान छपा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका नाम है वाटिका। ये कक्षा 5 में पढ़ाई जाती है, ये भी मैंने आपको बताया, और इस किताब के आखिरी पेज पे राष्ट्रगान लिखा हुआ है, जिसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़ के बाद उत्कल बंग आना चाहिए, यानी कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, उत्कल बंग, ये लास्ट के जो 2 शब्द हैं उत्कल बंग, ये शब्द वहाँ से मिसिंग है। फिर सीधे 5वीं लाइन विंध्य हिमाचल यमुना गंगा से शुरू हो जाती है। तो ये गलती 1-2 किताबों में नहीं है, बल्कि 5वीं की जितनी भी किताबें भेजी गई हैं उन सब में ये गलती है। राष्ट्रगान से बंगाल प्रांत का नाम हटाने का मतलब राष्ट्रगान की मूल भावना को ख़त्म कर देना है, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं, और लेकिन ये बात तब इस्टेब्लिश होती है जब इसको जानबूझ के किया गया हो। प्राइमरी स्कूल औधन के बच्चे और टीचर्स अब तक इस बात से अनजान थे, उनकी पाठ्य पुस्तक से राष्ट्रगान की पंक्तियों ने बंग प्रांत
में गायब है, उन पंक्तियों में से भंग प्राण गायब है। और जो वहाँ के टीचर्स हैं उनका ये भी कहना है कि ये तो वही बात हुई कि जिस प्रदेश के रचयिता ने राष्ट्रगान रचा, पहली बार जिस भाषा में बोला गया, उसी को गायब कर राष्ट्रगान की आत्मा निकाल ली गई है। प्राइमरी स्कूल मखदुमपुर के अध्यापक भी कुछ ऐसी ही बात करते हैं। लेकिन कुल मिला के जो बात है वो ये है कि ये एक प्रिंटिंग की मिस्टेक है, और प्रिंटिंग में हमेशा, इवन हम कोई पुस्तक भी छपाते हैं तो उसकी एक पहले प्रूफ रीडिंग होती है। अब प्रूफ रीडिंग होती है मात्रा की, लेकिन यहाँ से पूरा वर्ड गायब है। हो सकता है इसलिए ये दो वर्ड जिस समय प्रूफ रीडिंग हुई हो उस समय उनके दिमाग में इन दो शब्दों का ध्यान ना रहा हो। मथुरा में विभाग ने 15 मथुरा के विभाग में मथुरा से 15 लाख किताबें छापने का ऑर्डर मिला था, इसमें 2.5 लाख किताब में ये मिसप्रिंटिंग हुई है, ये गलती हुई है। और जब इस गलती का पता चलता है तो उसके बाद फिर जांच में ये पता चला कि ये मिसप्रिंट 2.5 लाख किताबों में हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस गलती को दूर करने के लिए उन दो शब्दों के स्टिकर छप रहे हैं जिनकी वजह से कुछ लोग बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, और उसके जहाँ से वो मिसिंग है उसके आगे वो स्टिकर लगा दिए जाएंगे, क्योंकि ये कुछ ही किताबों में ये गलती आई है। अब आप देखिए कि किस तरीके से एक छोटी सी गलती का भी, चूँकि चुनावी माहौल चल रहा है तो उसको भी बड़ी गलती में तब्दील करने की पूरी कोशिश की जाती है। जैसा कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरुण विद्यार्थी कह रहे हैं कि भाजपा बंगाल में जो हार हुई है उसका दर्द नहीं भुला पा रही है, कहाँ की बात उन्होंने कहाँ जोड़ दी है। खैर ये उनकी अपनी समझ और बूझ है, जिस तरीके से भी वो प्रयोग करें, लेकिन कुल मिला के बाद जो है ये गलती तो हुई है और ये गलती भी बहुत बड़ी है, लेकिन इसके लिए अब स्टिकर छप रहे हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी खबर थी, चूँकि ये एक स्टडी बुक से जुड़ी खबर थी इसलिए मैंने आपसे शेयर की। अब मैं जानना चाहूँगी कि आपको ये खबर कैसी लगी, ये मेरा कंटेंट कैसा लगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।